तो मैं तो उनको ट्रब्यूट कर दूँ इश्क है मेरा इन लोगों के साथ सुर के साथ मैं कहता हूँ कि खास साहब लैंड क्रोज उनकी घूमती रहती थी कि अभी कहाँ है उसको लेके आओ अगर मेरे आने में आपकी इज्जत में इजाफा होता तो मैं आ जाता हूँ तो मैं चला गया तो लोगों ने इज़्ज़त भी की प्यार भी किया ये कॉपी बड़े लोगों की होती है बड़े लोगों को याद किया जाता है एग्जैक्टली exactly. हाँ उनकी तजीक ना हो तो मैंने कहा न भी गाया कर मैं कह पीठी सी बदवाली मैं तो गाना शुरू कर देता तो मैं क्या भाई मैं घबरा गई मैं क्या तो कौन होना मैंने पम्सो देना ये दे चेंज लेकर तो थोड़ी थोड़ी, थोड़ी, थोड़ी करके दे <laughs> <laughs> ने, ने, ने हा, 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 बिल्कुल बिल्कुल हम लोग जब जैसे दिलीर भाई के आपके कमेंट सुने जी बिल्कुल मैंने सुने बिल्कुल आपके बारे में बड़े अल्फाज आपके लिए किए हैं उनकी मोहब्बत है हेलो अस्सलाम वालेकुम जी पा खैर आगे, आगे कई फालू का हबी भी मैं फ्रेंड सहाा जिते पैर उती खैर मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त अली असलम आप देख रहे हैं फ्रेम इन टी वी व्ययर्स हमारे साथ हसन अब्बास साहब थे हमारे फ़र्स्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा और आपने यकीन उनको इन्जॉय भी किया होगा तो आज हमारे साथ हसन अब्बास साहब तशरीफ़ फर्मा है हमारे सेकेंड एपिसोड में आइए और से बात करते हैं वो खुद बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं बड़े अच्छे भाई हैं हमारे हंसराज जी हैं दिलेर भाई हैं बहुत प्यार करते हैं वो जब भी पाकिस्तान आते थे तो वो कहते हैं कि रात को सुहेल साहब के साथ ज़्यादा उनको तारमीर साहब के साथ उनको ज़्यादा उनके तो पास रहते हैं तो रात को ढाई तीन बजे मुझे अक्सर कॉल आती कि भाई जब भी यहाँ पे आए हों तो वो कहते है हसन हैं कि यार बाद से मिला दें हमें और मैंने एक प्रोग्राम उनको एक गेट टुगेदर में मैंने सुनाया था ही रहा तो देर भाई जब इंडिया गए वापस कह रहे यार इंडिया से मुझे फ़ोन किया मैसेज भेजा के लाहौर से दिल्ली तक मैं ही रांझा ही याद करता रहा कि यार उठाया रांझा की किता तो। सर हमें भी प्लीज सुना दे रहा हमारे से भी शेयर कर दे वैसे तो हमने बेशुमार दफ़ा सुना है देखा भी है लेकिन आज हमारे ये चैनल के गई ये वाक़ है ये फरदोस के घर एक प्रोग्राम था तो सेल साहब और अमानला साहब वाला उनको गई कि रहमत करे बहुत प्यार करते थे मुझसे अभी हाँ और ये सब लोग थिएटर के जितने लोग थे ड्रामे के जितने लोग थे फिल्म के जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो मुझे कहने लगे असन भाई अपने हमारे साथ जाना है फरदवास के घर प्रोग्राम है तो मैं फरदवास का बड़ा फ़ैन था मैंने कहा शुक्र चलो फरदवास को देखेंगे हीर रानझा बड़ी बड़ी दफ़ा फिल्म देखी थी उनकी तो मैं चला गया अब वो लोग चाय वाय पी रहे हैं और मैं जो सोच रहा था कि यार इनको कैसे मैं इंटरटेन करूं इंटरटेन करूं बाकी आइटम तो मैंने करने ही थी लेकिन मैंने कहा ऐसी बात इनको ही याद आ जाए खास खास जगह के लिए आइटम भी होता खास मतलब है भाई भाई। तो मैंने मैंने खास सब पेश करूँ वो तो रंजा बांसरी बहुत अच्छा था एक जाट जिम्मेदार को बांसी बजाने क्या जरूरत थी क्या जरूरत थी और कढ़ाई वाले कुर्ते पाने की <laughs> और जो गांव की लड़कियां थी उनको भी छेड़ा छेड़ा करते थे वो तो मेरे का रांझा जो है ना वो बड़ा फनी था बड़ा सुरीला माइंड था यस और मैं कह खोरी केड़ा राग जाके मजा चोला न सी हो तो मतलब कोई खुदादा चीज है सी बिल्कुल गॉड गिफ्टेड खासा वाली गल कोई है सी है सी बस बैठे बैठे मैं कहानी बनाई तो स्टेज पे मुझे अनाउंस किया कि खान साहब ने अनाउंस किया मान साहब ने कि मैडम जी आपको सरप्राइज़ आपके लिए लेके आए हैं आर्टिस्ट तो आइए सनबास मैं स्टेज पे चला गया मैंने कहा जी कि मैं फरदौस के घर नहीं आया मैं हीर के घर प्रोग्राम करने के लिए आया हूँ गुड तो आपकी शादी नहीं हुई थी रांझे के साथ उसका अफसोस भी करना था लेकिन मेरे वसायल नहीं थे उस वक्त मैं नहीं आ सका खैर वो मैं वहाँ पर मैंने शुरू किया मैं कह जी रझा जरा थी ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਰੀਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋ ਖਾਸਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਹ ਜੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਆ ਜੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਆ ਆਹ ਯਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੈ ਭਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਘਰ ਚ ਕਾਮਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਫੁੱਕਾ ਪੀ ਰਿਆ ਸੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਆਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਦੀ ਵੀ ਜਾਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੜਾਈ ਲੈ ਕੁਰਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਚੁੱਸ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੋ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਬਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚ ਕੰਮ ਰਖਲਾ ਇਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਗਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਦੇ ਖੇਡਣਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਰਾਜੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀਆਂ हीर तो 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 हीरे नु साबित ਕਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਦਸੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲਾਂਜਾ ਕਹਿ ਲਗਾਏ ਹੀਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਘਰ-ਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸਦੇ ਖੇੜੇ ਨਾ ਕਰੀ ਹੀਰੇ ਤੇ ਹੀਰੋਂ ਕਹਿ ਲਗੀ ਵੀ ਵਾਂਸਾ ਚ ਬੋਰੀਆ ਘਰ ਕੇ ਜਾਣ ਆਲੇਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨ ਖਲਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਖਾਸਮੈਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੀਰੇ ਇਹਦੇ ਝੂਠੇ ਚੌਧਰੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਨੇ ਝੂਠਿਆ ਜਿੱਤੂ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੋ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਨ ਹੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਨ ਤੈਮ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗਈ ਸਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਨਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਖਾਸਾ ਬੋਂਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਤੇਰੇ ਖਾਸਾ ਬੋਂਦਾ ਜਕੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਝੂਠੇ ਰਾਂਝਾ ਜੋ ਤੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਣ ਮੰਗਲੇ ਸੀ ਵੇ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਰਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਠੰਡੇ ਪਾਣੇ ਤੋਂ ਡੰਨੋ ਵਾਲਿਆ ਟੰਡੇ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਡੰਨੋ ਵਾਲਿਆ ਵਿਹਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆ ਨਿਕੇ ਨਿਕਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਚੰਗੇ ਪੱਲੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਹਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆ ਵੇਰਾ ਹੀ ਯਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਣ ਵਾਲਿਆ बेसुते पे सीने ते थे ठेके लान वाले <laughs> सीना भी सीना इलम सिखना आये <laughs> निकल ना फंक्शन करके पिन्या कुटा अरे वो फिल्म बदी फिर <laughs> <laughs> क्या बात है क्या बात जो तू पहली मंजिल में जानता है तो वो, वो तो शक पे आ गया सी तो रान जाने है मुजिशन है वे पप्पू टोली दे मात्रे <laughs> 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 करना <कुँँ> <laughs> क्या <laughs> बात है ओा प्यो कह लगा इन मूह ना ला थी ये काम है काम ज्यादा मूंह नहीं ला दिया शादी में खेड़ा कर देती थी ते काम ज्यादा मूंह नहीं लाईद केरा बाबला दुख तो ऐसी गलता है कि ने, ने काम ही नहीं कु भी कर लाने भी कह रही सौ दस्सी परचियां देना बगैर काम तो शहर फिर ना आ रहा निशाना वाह 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 तो हसन भाई ये आपको आमद सारी फिलबदी हुई वहाँ पर फिलबदी फिल बदी हो गई कोई बनाई नहीं थी कोई लिखी पढ़ी नहीं थी कुछ नहीं था हुँ, हुँ। वो फिल बद ही ऐसे वो चलती रही फिर फरद्वास के फरदोस जी कहने लगे कि हसन बास मैंने तो नहीं लगती मेरे रे वाकई खान साहब से <laughs> और इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि आपको बहुत खूबसूरत आमद हुई होती है और इन होती रहेगी आपकी बहुत खूबसूरत आमद है इस चीज़ में कोई शक नहीं है वह ख़िदमत करें और बस खुशियाँ बांटनी चाहिए खुशियाँ देनी चाहिए कुछ किस टेंशन के दौर में किसी को ख़ुशी देना या खुश करना या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना बड़ी बात है बेशक 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 असल भाई ज़िंदगी में इश्क कितनी दफ़ा हुआ आपको मैं नाम ही सुना है बस इश्क का <laughs> हुआ नहीं कभी <laughs> <laughs> मोहब्बत हुई काफ़ी <laughs> <laughs> मोहब्बत हुई है अच्छा <laughs> 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 तो मोहब्बत का नाम ही सुना था पहले नहीं मोहब्बत तो हो जाती जैसे आप भी आपसे भी मोहब्बत है तो इस तरह फनकारों से मोहब्बत थी गाने से मोहब्बत थी बस ये कि अच्छे दोस्तों से मोहब्बत होती है अच्छा आपके साथ भी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आपको कॉल करे कोई बंदा और आगे से बोलो जी आपकी मिस कॉल आई थी अक्सर ऐसा होता है हल्के मैं इस कॉल देता नहीं हूँ मैं कहता हूँ बच्चों पे डाल देता हूँ बच्चों ने की होगी <laughs> <laughs> बच्चों पे डाल दे अच्छा असन भाई आप माशा से बड़े खुश खुराक भी हैं बड़ी अच्छा खाना पसंद करते हैं आप तो बनाते भी हैं आप बना भी लेते हैं कभी ऐसा मौका नहीं आया घर में क्योंकि सारे बच्च... देखो मेरी बड़ी अच्छा बनाती है बच्चे बनाते हैं बहुत मैंने कभी कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में काम किए ही नहीं वैसे बना लेता हूँ कभी आप बुलाएं तो मैं बना लेते वैसे आइंदा नहीं बुलाएंगे फिर आप <laughs> 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 मतलब आप इतना मुरीला से बनाएंगे है दोबारा हम आप आपको बुलाएंगे नहीं असल भाई इतने आपने आउट ऑफ कंट्री के टूर्स किए मेरे ख्याल में सिवाय इसराइल के आप पूरी दुनिया फिरे होंगे या चंद एक मुल्क ऐसे जो अभी अभी चाइनीज इस तरह नहीं गया अच्छा बाकी सारे जगह पे इंडिया जाने का मौका मिला तीन चार दफ़ा मैडम ना कंट्रीब्यूट करने के लिए गया था फिर अमेरिका काफ़ी दफ़ा कैनेडा यूरोप इंग्लैंड सारे तकरीबन हमारे सुनने में आया कि एक वक्त ऐसा आ गया था चलो तो शुरू शुरू में तो बंदे को क्रेज़ होता है ना यार मैं बाहर जा रहा हूँ जहाज़ में बैठूँगा अच्छी ड्रेसिंग करेगा शेव करेगा फ़्रेश हो फिर कहते एक वक्त ऐसा आ गया था कि हसन अब्बास साहब को तैयार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी टिकट आई थे थे। और बस यार मैं जा रहा हूँ यार ज़रा दस दिन के लिए आ जाऊँगा वैसे मैंने एक कभी वो नहीं अपने पोजिंग नहीं की कभी यानी बजे ऐसा होता था कभी लोग यकीन नहीं करते कि ये गया होगा कि नहीं <laughs> <laughs> असल में पता क्या था कि मैं अमेरिका से एक दफा वापस आ रहा था तो मैं कराची उतर गया अच्छा तो कराची की टिकट थी कराची उतर गया कराची आके मैं फिर तकरीब तो दो माह के बाद मैं लाहौर आया हूँ घर पे। अच्छा तो मैंने सारा वो जो अमेरिका का जो खोल था मैंने वो सारा फेंका और वैसे ही गरीब मस्किन और, <laughs> और जब पूछते यार कहाँ पे गए थे भाई मैं इधर ही था यार यार शक्ल से तो नहीं लगता अमेरिका गए हैं लेकिन भाई नहीं लगता तो क्या करें वो यानी मैं ये देखता हूँ कि फ़नकार जो होते हैं ना वो अगर दुबई से भी एक प्रोग्राम करके आ जाए तो वो सात सात आठ आठ दिन या पंद्रह दिन वो पेंट नहीं होता था ऐसा yeah, हो कहते कि मैं यार मैं अप टू डेट और ये वो मैं अमरीका लंदन और दुबई से आया हूँ मैं शो करके तो हम लोग तो पूरी दुनिया देखे ऐसे सादा जिंदगी गुजारी कैजुअल लाइफ में मज़ा है इसी को इसी का मज़ा लिया हमारे हमने जो सुना वो सही था क्या आप ऐसे कैजुअल ही रहे हैं कैजुअल सारे जिंदगी नॉर्मल जूती जो पहनी वही पहन के जहाज में बैठ गए मैं कहो सॉफ्टी पहन के मैं चला गया है ना हाँ बिल्कुल सुबह का कुर्ता पहना हुआ जो वही पहना शाम को जहाज में बैठ गया उसी कुर्ते में चला गया क्या मैं कौन पूछेगा उधर तो वैसे भी नहीं देखता को क्या पहना हुआ <laughs> <और> क्या <laughs> पहना <laughs> <laughs> मैं कराची में एक शो कर रहा था पल कॉन्टिनेंटल में तो असद मानदल साहब और मैं नरगस सब लोग का शो था तो वहाँ पे ना नरगस के बाद मुझे उन्होंने शहजाद रोया था नरगिस के एंट्री के बाद मुझे उन्होंने बुला लिया स्टेज पे और मैंने वो यही ऐसे ऐसे सादा सा ऊपर से मैंने परनासा लिया हुआ था तो बैठे बैठे मैं मुझे अनाउंस किया उन्होंने मैं चला गया मैं जाके खड़ा हुआ हूँ तो मैंने प्रोग्राम शुरू किया hmm. प्रोग्राम ख़त्म किया तो मैं नीचे आया हूँ स्टेज से तो लोग चंद लोग वहाँ के शहरी और वहाँ के सहाफ़ी स्टेज पर आ गए तो कहने लगे साहब एक बात करना चाहते हैं हम बात ये कि इस ये फनकार जो अभी परफॉर्म करके गया है जब आपने इनको स्टेज पे बुलाया तो ऐसे लगा जैसे हमारे साथ मजाक किया आपने कि इतना बड़ा क्राउड इतने बड़े लोग इतने सब कंपनीज का शो था वो तो कह रहे कि नरगिस के बाद आपने ऐसे पेंडू से आदमी को स्टेज पे बुला लिया और हम तो हैरान हो गए कि यार ये क्या करेगा आके तो इसके परफॉर्मेंस देखने के बाद हम ये कहना चाहते हैं कि ये कराची की तरफ से सहाफ़ियों की तरफ से हमारे तरफ तो ये प्राइडो परफॉर्मेंस है वाह 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 तो ये भी लोगों ने प्यार किया सादगी में भी अल्लाह ताला भाग लगा देता है कोई ज़रूरी नहीं कि बंदा बनता फिरे और वो कुछ भी ना हो और बनावटी ही रह जाए बंदा और सर हमारे सुनने में ऐसा आता है कि आप जब पहली दफ़ा जहाज़ में बैठे तो आप बहुत डरे हुए थे मेरे कान बंद हो जाते दर्द शुरू हो जाती थी कानों में अभी जब अनाउंसमेंट होती थी ना कि सीट बेल्ट बांध लें बटी फिर ठीक हो जाता <laughs> उससे पहले कार बंद और जब रस्ते में एयर पॉकेट आते हैं तो फिर कैसा माहौल होता है फिर माला माला बस <laughs> अरे आप इंडिया गए हैं और इंडिया के आपने पब्लिक के सामने भी परफॉर्मेंसेज की हैं एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा की हैं तो उधर का कैसा आपका एक्सपीरियंस मैं तो वाक सुनाऊंगा जो मेरे साथ जैन वाक्य हुआ है उसको मैं सुना रहा हूँ कि मैडम नूरजान का ट्रिब्यूट करने के लिए हम चंडीगढ़ गए और उसमें मैं परेजमंदी साहब थे मरहूम भी खिरत करे हमारा चना थी हमारा अरशद थी जवाद भाई थे लैला थी और बहुत सारे आर्टिस्ट तो हम लोगों ने दो शो कर लिए थे और एक शो रह गया था जिसपे हमारा इर्शद इन हुई अच्छा मतलब लेट पहुंची हो तो वो कहने लगे यार असनबाज़ का शो हसनबाज़ परफॉर्मेंस ना दे तो हमारा अरशद आई चलो उसकी भी एंट्री हो जाएगी जहा है तो आप यकीन जाने कि शो वाइंड अप हुआ ख्वाजा प्रवेज साहब होस्ट कर रहे थे उनको क्या कहने क्या लाजवाब लोग थे तो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो ख्वाजा साहब ने वाइंड अप किया तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो हसन अब्बास को सुनने के लिए आए हैं वाह और ये शो हसन अब्बास की परफॉर्मेंस के बग़ैर हम नहीं ख़त्म होने देंगे क्या बात है तो दोबारा सुनो चिड़िया ने जम्बा मैंने गाया वहाँ पे और लोग तो रो रहे थे सारे वो प्यार भी बड़ा करते थे सबसे तो ये वहाँ पर मुझे फिर अवार्ड दिया उन्होंने आलमी पंजाबी परिवार का अवार्ड था आलमी पंजाबी परिवार परिवार यहाँ की बहुत बड़ी चंदी में पंजाब पंजाबी आलमी पंजाबी परिवार उसका फिर अवार्ड हमें दिया गया और बड़ी इज्जत दी इंडिया में बहुत लोग प्यार करते हैं फनकारों से तो वैसे मोहब्बत करते हैं सारे बड़ा अच्छा रहा वहाँ पर एक्सपीरियंस हुसन भाई जिंदगी में सबसे ज्यादा आप किस दिन रोए जो दिन आपको भूलता हो कभी दो हस्तियाँ हैं एक माँ जब दुनिया से गई और दूसरे नसफ़र के हाँ सर वो दिन आपकी ज़िंदगी में कभी बहुत ज़्यादा बहुत बहुत तकलीफ दह थे और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश किस दिन हुए आप कभी भी नहीं, <laughs> नहीं। असल भाई आप नॉर्मल रहता हूँ नॉर्मल अच्छा मैंने कहा कैजुअल रहता हूँ कैजुअल रहता कोई है। खुशी कोई इतना वो मैंने कुछ ना हो तब भी खुश रहना कुछ हो तब भी खुश रहना यानी मुतमिन लाइफ लाइफ कोशिश करेंगे मुतमैन लाइफ गुजारो कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया कि आपने कहो कि आज असल अब्बास की जेब में पैसे नहीं है यार कभी ऐसा हुआ ही नहीं अच्छा कर्म रहा तो फिर टैक्स वाले आते हैं चक्कर छक्कर लगाते हैं नहीं इतना होता कि गुजारे <laughs> <laughs> इतना ही ज़्यादा गुजारे लाइक समझ लिया कि इज्जत बाल रहे फौरन कवर किया आपने फौरन सेकंड से पहले कवर किया इतने ज्यादा पैसे होते नहीं है ना तो उतने पैसे होते हैं जिससे इज्जत रह जाए वही बात ना हसन भी उतने जितना मतलब आराम से क्योंकि हम लोग देखो ना हमारे हमारे पोस्टर तो नहीं लगे हुए बाजारों में या हमारी कोई एड चलते हैं या हमें कोई कंपनी ने किसी ने स्पॉन्सर किया हो या हमारी को फिल्म बड़ी हिट हुई हो मैम तो सादा लोग हैं मजदूर लोग हैं ये आप सच्चाई पर मबनी बात कर रहे हैं या कभी जेबी कटी आपकी कहते हैं अक्सर होता है लाहौर शहर में असल काफी लोग काट लेते <laughs> नहीं वो बात नहीं कर रहा मैं काफी लोग काट लेते वो हमारा को ऐसे है वो एक जो जेन जेब कट जाती है बंदे की कि यार जेब कटी गई है भाई काफ़ी दफ़ा तो ऐसा हुआ हुआ ऐसा कि जेब कट गई जेब कट गई लेकिन फिर आ गया इज्जत बच गई और सर हो जाता है हो जाता है एक दफा मैं दुबई जा रहा था तो अभी एडवांस लेके मैं मतलब निकला हूँ तो ढाई तीन बजे का टाइम था तो गाड़ी में बैठा मैं बस आम जो ट्रांसपोर्ट है और जो बैठा और सो गया और पता उसी वक्त पैसे निकले फिर उसी वक्त वापस आ गया उनके पास में प्रमोटर के पास मैंने कहा जी जेब कट गई पैसे निकल गए हैं एडवांस जब वो टूर ऐसा हुआ कि जहाँ पे इधर भी जेब कट गई फिर मैं दुबई पहुँचा प्रोग्राम किया वहाँ वापसी पर लैगेज गुम हो गया मतलब वो अक्सर कहते हैं ना कि जिस काम में ना फना पड़ जाए तो ना ना फना नहीं हुई थी बस फना फना हुई थी।, थी।, <laughs> थी तो असन भाई ऐसा भी हुआ आपके साथ कि प्रोड्यूसर्स ने आपके पैसे मार लिए ना दिए बुला कर अक्सर मार लेते हैं अक्सर मार लेते हैं हसन भाई कभी आपने अपनी हथेली किसी की रुखसार पर रसीद की है आपने मतलब थप्पड़ मारा किसी को आज तक नहीं मारा घर वाली को शायद मार दिया था अच्छा हर दूसरे घर की ये कहानी होती है कि जो मजाजी खुदा होता है वो अपनी अहरिया से डरता है तो आप भी डरते हैं। मैं अल्लाह से डरता हूँ बस वाकई तो कोई ऐसी बात नहीं अपनी अरलिया से नहीं डरते आप एहलिया तो क्या डरना जब प्यार किया तो डरना <laughs> 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 जो जब प्यार किया तो क्या डर है अच्छा लास्ट टाइम पे आपने भाभी के लिए कोई गिफ्ट कब लिया था मैं कभी लेके नहीं जाता गिफ्ट विफ्ट कभी नहीं लेके दिया मैं कहते कभी मैंने फ्रूट नहीं लेके <laughs> तो फ्रूट नहीं लेके गया आज तक कभी लेके दिया फ्रूट पैसे दे दिए खुद जाके ले पैसे दे दिए पैसे दे जो मर्जी खाएं पिए मजा करें मेरा यह कि घर से घर से बाहर निकला हूँ तो मैं घर के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं मतलब आप कहते हैं मजाजी हूँ मजाजी मुलाजिम नहीं ये मैं बस घर गा, की दलील से बाहर तो सारी टेंशनें खत्म बस दोस्तों के लिए बस तब जी व्यूअर्स तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब हसन अब्बास साहब चूँकि इनसे इतनी लंबी गुफ्तु हो रही है तो ऑबली मेरे नई ख्याल के एक एपिसोड के अंदर ही हमें इतनी लंबी गुफ्तु जो इसको समेट पाएंगे हसन अब्स साहब से आज तक के अपिसोड के लिए इजाज़त चाहते हैं और इनसे मुलाकात करेंगे हम थर्ड एपिसोड में तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए हमारे चैनल को देखते रहिए अल्लाह हाफिज़